हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे, हमारे लिए असिस्टेंट क्लास फर्स्ट है जिसमें हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के टॉपिक एटॉमिक नंबर्स हैं। उसमें एक आता है आपका इलेक्ट्रॉनों के भरने का नियम, और यहाँ से ऑलवेज आपके दो क्वेश्चन तो मान के चलिए, और इजीली आप भरने के जो नियम होते हैं वहां पे आप इजीली ये गेन कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये ऑलवेज सही जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के भरने के नियम क्या हैं। तो चार प्रकार के नियम दिए गए थे, ओप्पो ने दिया था, एक दिया गया था एन प्लस एल का रूल, तीसरा दिया गया था हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, चौथा दिया गया था पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूंगा, कुछ एग्जाम्पल बताता चलूंगा। एक बार मैंने वीडियो पहले भी बनाने की ट्राई की थी, और ये आप जो टिक देख रहे हैं ये उसी का सबूत है। तो उसमें क्या है कि आवाज इको हो रही थी, उसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक वॉइस थी, इस वजह से मैं वापस से क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ओबो ने क्या बताया था, उन्होंने वो हम पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। एल क्या है, यहाँ पे दिखाएगी यहाँ पे द्विगुण सी क्वांटम संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए एम क्या है, तो ये कैसी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, कौन सी मैग्नेटिक, जिसे आप बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक होती है एस क्वांटम संख्या, यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो काम आएंगे आपको एन और एल आएंगी। एन का मतलब है मुख्य कोश संख्या, फिर कक्षा संख्या। आपको जो गणितीय संख्या दिखाई देती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, कोश दिखाते हैं, मुख्य कोश। जबकि अगर आपको जो अल्फाबेट में दिखाई देता है, यानी कि एस पी डी एफ, वो क्या दिखाते हैं, उपकोश दिखाते हैं। ठीक है, तो उपकोश के लिए एल का मान क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, एल का मान 0 है तो वो एस उपकोश दिखाएगा, एल का मान 1 है तो वो पी उपकोश, एल का मान 2 है तो वो डी उपकोश, एल का मान 3 है तो एफ उपकोश। ये जो जानकारी है, ये इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए, ये मैं मिटा देता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये 3p है, एक दे देता हूँ मैं आपको 3d, तो इसमें एन और एल के मान बताइए। तो मैंने क्या बताया, जो गणितीय संख्या होती है वो क्या होती है, एल होती है, एन होती है। गणितीय संख्या क्या है, यहाँ पे 3 दिख रही है तो 3n है, यहाँ पे भी 3 दिख रही है, ये भी n है। एल का मान p के लिए कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे d के लिए कितना होता है, 2 होता है। इस तरह से आपको n और l के मान पता होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे ओब्बो सिद्धांत पे, क्या था। चलिए ऊपर हो जा भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी चेक, नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा। हाँ चलिए ओपन हो गया। ये ओब्बो सिद्धांत, ओब्बो साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम होता है वो कैसे भरा जाता है। पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाएंगे, उसके बाद में ज्यादा ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इन्होंने ये क्रम बताया इलेक्ट्रॉनों का, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, इस तरह से एक क्रम बताया। अब ये क्रम आपको रटना नहीं है, यहाँ पे हम अगला जो नियम देखेंगे एन प्लस एल के नियम के अकॉर्डिंग ये पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। एस क्या है, उपकोष है, ये क्या है, उपकोष। देखिए बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं कोष और उपकोष को पहचान, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एस पी डी एफ ये क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, पी उपकोष में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, एफ में 14 आ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लोहे का, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। यहाँ पे देखिए, जहां पे आपको 1 दिखाई दे रहा है वो पहला कोष है, जहां पे आपको 2 दिखाई दे रहा है वो दूसरा कोष है, जहां पे आपको 3 दिखाई दे रहा है वो तीसरा कोष है, जहां पे आपको 4 दिखाई दे रहा है वो चौथा कोष है। अब यहाँ पे देखिए, जो सबसे बाहर का कोष वो कौन सा है, फोर्थ है, इसे कहते हैं आप एन कोष या फिर बाह्यतम कोष। और इससे जो पहले वाला है उसे आप बोलते हैं n-1, उपांत्य कोष, इससे जस्ट पहले वाला। और इससे जस्ट दूसरे नंबर पे पहले जो आता है वो उपांत्य कोष है। ठीक है, इसीलिए आप इसे बोल रहे हैं n-2, यानी कि इससे 2 संख्याएं पहले। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, बाह्यतम कोष सबसे बाहर वाला, उससे जस्ट पहले वाला उपांत्य कोष, और उससे पहले वाला उपउपांत्य कोष। यहाँ पे आपको n, n-1 और n-2 का मतलब पता चल गया होगा।
अब यहाँ पे इन्होंने बताया, अगर आपसे पूछा जाए कि ओबो के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताइए कि 4p और 5s में किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, तो यहाँ पे तो आपको सीधा सा दिख रखा है, मैंने बता रखा है इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे पहले, 4p में भरे जाएंगे, यानी कि इसकी ऊर्जा कम होगी और इसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन आप ये डायरेक्टली रट नहीं सकते हो, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा नियम है वो आपको ये जस्टिफाई कर देगा, हमारा कौन सा, एन प्लस एल का नियम। ये रहा एन प्लस एल रूल, देखते हैं, नेट स्लो स्लो है उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए लैब असिस्टेंट एग्जाम में हमारे भी पूछा गए थे एक दो क्वेश्चन यहाँ से, जो जो अगर अगर आप पढ़ पढ़ लेंगे लेंगे तो बहुत बहुत थोड़े थोड़े से से प्रैक्टिस करके आपको आपको समझ में समझ आ में आने जाएगा, वाला है, ज्यादा ज्यादा इतना इतना डेप्थ में नहीं है जो आपके लिए समझ में नहीं आए बिल्कुल। ठीक है, ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, वह उपकोष जो एन प्लस एल का मान कम रखता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे हम। अगर ये कब बाद ऐसा मिलता है कि जिसमें दो उपकोषों के एन प्लस एल का मान बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे जिसमें एन का मान क्या हो, कम हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है 2p और 3s का। 2p में एन का मान 2 है, एल का मान p के लिए 1 होता है, दोनों का जोड़ हो गया 3। ऐसे 3s में ले तो एन एन का मान 3 होगा, यहाँ पे s के लिए एल का मान 0 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3, यानी कि अब देखिए एन प्लस एल दोनों में बराबर आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया है, यहाँ पे भी 3 आ गया है। इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे जिसमें एन का मान कम होगा, तो 2 ज्यादा होता है या फिर 3 कम होता है, बताइए 2 कम होता है 3 ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे, हम 2p में भरेंगे। अब ये मैं थोड़ा सा और जस्टिफाई कर देता हूँ आपको, अगर आपसे पूछा जाए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा या फिर 3p में, तो आपको क्या क्या करना है, पहले इनके n और l के मान निकाल देने हैं। n मैंने क्या बताया, जो गणितीय संख्या होती है वो n होती है, जो अल्फाबेट होती है वो क्या है, एल है, यानी कि s के लिए आप इधर लिख लीजिए PDF। s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 और f के लिए 3, यहाँ पे s के लिए 1 सॉरी 0 और p के लिए 1, अब दोनों को जोड़ दीजिए, n प्लस एल जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए n प्लस एल दोनों के लिए, 4s के लिए भी 4 आ रहा है और 3p के लिए भी 4 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा जिसमें n का मान कम होगा, और n का मान 3p में कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा पहले, 3p में जाएगा भाई साहब, 4s में बाद में जाएगा। ठीक है, ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं 4d और 5s, यहाँ पे देखिए n प्लस एल आप बहुत फास्ट कर पाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस एल का मान 5 और यहाँ पे आ जाएगा n का मान 4, और d के लिए l का मान कितना होता है, 2, यानी कि इसका आ जाएगा मान 6। अब बताओ कौन सा ज्यादा है, n प्लस एल का मान 4d ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 5s में पहले जाएगा, 4d में बाद में जाएगा, क्योंकि इसमें n प्लस एल का मान 5 है और यहाँ पे 6 है। इस तरह से आप कर सकते हैं n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग। अब जो पूरा जो क्रम है जो हमने ऑफ वो में पढ़ा था, ठीक है, वो अभी यहां से आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे इन्होंने बताया कि उपकोषों के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार होता है कि यह समांतरण चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या प्राप्त कर सके। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है उपकोषों के कक्षक में किस तरह से भरे जाएंगे, पहले अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये डी उपकोष है और ये कौन सा आपका पी उपकोष है, तो पी उपकोष में कक्षक कौन कौन से होते हैं, पीएक्स पीवाई पीजेड। डी उपकोष में, पी उपकोष में ये कक्षक होते हैं, देखिए पीएक्स वाई, पीएक्स जेड, पी बाई जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये कक्षक होते हैं 5। तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे भरे जाएंगे हमेशा, पहले एक चक्रण जैसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन ये हो गए, फिर उसके बाद में दूसरे इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गिन लीजिए, चार तो यहाँ हो गए, सात यहाँ हो गए। अब सातों को आप इस तरह से नहीं भर सकते हो कि दो हमने पहले ऐसे भर दिए, दो यहाँ भर दिए, दो ये तीन छः और एक सात, ये रह गया खाली, ऐसे नहीं भरा जाएगा। आपको आप सभी कक्षकों में अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन भरने पड़े, सभी को अयुग्मित संख्या में आपको करना पड़ेगा। और पहले ध्यान रखना है समान चक्रण वाले भरने, जैसे पी उपकोष में माने, ठीक है, आपके पास में चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, तो आप इस तरह से भरेंगे एक जैसा चक्रण, फिर अपोजिट चक्रण, लो चार हो गए। अब ये तो सही है, लेकिन अगर आप इस तरह से भरें ये गलत है, आपने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं है, एक आपका कक्षक खाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे कक्षकों को भरो पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में आप युग्मित करो, पहले अयुग्मित संख्या में एक जैसे चक्रण दिखने वाले होंगे, उसके बाद में आप उन्हें युग्मन करना शुरू करेंगे। तो इन्होंने यही कहने की ट्राई की थी कि समांतर चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या प्राप्त कर सके। अब आ जाता है हमारा सबसे लास्ट का अधिकतम बहुलता का नियम, सॉरी ये अधिकतम बोलता हो गया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखिए इन्होंने बताया था कि एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, अधिकतम तीन हो जाएंगी लेकिन चारों समान नहीं हो सकती हैं, ये इम्पॉसिबल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये आपको कथन में देखे भी पूछ सकते हैं कि वो जो चारों क्वांटम संख्याएं समान होंगी या नहीं होंगी, तो आंसर होगा नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास में कार्बन है जिसका परमाणु क्रमांक छह होता है, तो उसमें छह इलेक्ट्रॉन भरिए, 1s2 2s2 2p2, तो इसके लिए एन का मान पहले कोष के लिए एक, दूसरे के लिए दो हो जाए। एल का मान एस के लिए जीरो होता है, एस के लिए जीरो, पी के लिए एक हो जाए। एम का मान क्या होता है, एम होता है देखिए, एम होता है प्लस एल से माइनस एल, इसे लिखते हैं। ठीक है, अब 2p के लिए, 2p के लिए m का मान क्या होगा, देखिए 2p, और l होता है हमेशा n माइनस वन। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है, दो माइनस एक, यानी कि l का मान एक आ गया। अब यहाँ पे मान रख दीजिए प्लस एक से माइनस एक तक, यानी कि प्लस एक जीरो माइनस एक, m का मान इस तरह से आता है। ठीक है, अब देखिए स्पिन क्वांटम संख्या दो तरह से हो सकती है, एक तो आपकी क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों चक्रण दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप इसे क्लॉकवाइज माने तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो प्लस 1/2 और माइनस 1/2, यानी कि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे में भी देखिए एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ पे देखिए यहाँ तो आप क्लॉकवाइज ले लीजिए, या फिर अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, लेकिन एक जैसा चक्रण है यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट नहीं है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के लिए देखिए 1s और 2s के लिए, यहाँ पे केवल n का मान अलग है, बाकी l का भी मान सेम है, m का भी मान सेम है और s का भी मान सेम है, n का मान अलग है 1s और 2s के इलेक्ट्रॉनों के लिए। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। अब देखिए मैं आपको बेसिक यहाँ पे समझा देता हूँ, आपके माइंड में कंफ्यूज हो गया होगा जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने 11th 12th में पढ़ी होगी उन्हें थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2p और 3d में किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, तो n का मान पहले n प्लस l का मान निकाल देते हैं, दो आएगा यहाँ पे तीन, l का मान यहाँ पे कितना आएगा एक, यहाँ पे कितना आएगा दो, दोनों को जोड़ दीजिए तीन और पाँच, तो n प्लस l का मान 2p के लिए कम है, 2p में इलेक्ट्रॉन पहले बाद में 3d में भरा जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाता है। अब आपसे पूछते हैं कि कोश संख्या, कोश संख्या बताइए और उपकोश संख्या बताइए, उपकोश बताइए, तो 1s में और एक 2p में। यहाँ पे आपको 1s में तो क्या दिखाना है, कोश संख्या बतानी है, यहाँ पे इसका मान आएगा एक, घटती संख्या है, और घटती संख्या ही कोश संख्या होती है आपकी। और उपकोश क्या होता है, जो अल्फाबेट में होता है, यहाँ पे क्या है अल्फाबेट में पी है, तो यहाँ पे पी उपकोश हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है एस उपकोष में कक्षक जीरो होता है, पी उपकोष में कक्षक तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी उपकोष में पांच होते हैं और एफ उपकोष में सात कक्षक आपको देखने को मिलते हैं। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, दो,
सेवन इंटू टू यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 इंटू 2 डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ जाएंगे, और तीन उपकोष है 3 इंटू 6, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, 7 उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। ये हमारा पहला चैप्टर है, आई होप गाइस यू विल गेट इट। अगर आपको और भी कई टॉपिक समझ रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चारों सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई होप गाइस यू विल गेट इट। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। चलो।